अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय विजन चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आप लोग के लिए दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैंने गोल वाली मिर्चें जो हैं इसको मैंने बहुत अच्छे से रोस्ट करा है, ड्राई रोस्ट करना है। और ये आधी प्याली जो है साबुत धनिया है इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसको साफ़ कर लिया है। और अब मैंने इसके बाद जो है धनिया से भी हाफ जो है हमें ज़ीरा लेना है, बिल्कुल हाफ़ हाफ से भी हाफ लेना है, आप देख सकते हैं। और इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और अब मैं इसको धनिए को और ज़ीरे को जो है पीस लूँगी। ये इमामदस्ता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया होंगे कि मैंने इमामदस्ते में कूटा है। तो इमामदस्ता इस तरह का होता है, अब पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता। अब मैं ये सारी इसके अंदर अच्छे से कूट लूँगी, हमें मोटा मोटा दरदरा इसको पीसना है। अब मैं इसको आपको पीस के अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखें पीस चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसके बाद फिर मैं अपना ज़ीरा पीसूँगी। आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी, कुछ पीसा है, कुछ मोटा है, इस तरह से है। अब इसको निकाल के मैं अलग प्याली में कर लूँगी। अब मैं इसको ज़ीरा पीसूँगी। आप चाहें चॉपर में पीस सकते हैं, लेकिन चॉपर में बहुत फाइन हो जाएगा गलती से, तो इसलिए चॉपर में आप या तो थोड़ा सा चलाएं, चॉपर में मोटा भी रह सकता है या फाइन भी हो जाएगा। तो अब मैं ज़ीरे को पीसूँगी, ज़ीरे को पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब ज़ीरा भी पिस चुका है और अब मैं इसको भी अलग निकाल दूँगी। ये देखें ये भी बिल्कुल फाइन नहीं है, थोड़ा सा दरदरा है और थोड़ा सा पिसा हुआ है। तो हमें इस तरह का ही चाहिए कि अच्छा मुंह में भी आए। और ये आप दही बड़े और छोले दोनों में आप डाल सकते हैं और ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम मिर्चों को जो है अपने चॉपर में पेस्ट मतलब पीस लेंगे। और उसको देखें इस तरह का ये पिस चुका है चॉपर में। और अब इसको हम जो है किसी भी खाली शीशी में भर के रख लेंगे। आप चाहें तो उसमें रख लें, लेकिन मैं अलग करके रखती हूँ क्योंकि हमारे घर में मिर्चें कम खाई जाती हैं। अब मैं आपको रेशो बताती हूँ कि कैसे यूज़ करना है। 1 टीस्पून भर के धनिया लेना है कूटा हुआ, वही जो हमने पीसा था। और हाफ से भी कम जो है हमें ज़ीरा लेना है, हाफ से भी कम, ज़्यादा नहीं लेना है, ये रेशो है। और फिर इसके बाद जो है आप अपना मतलब टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमें मिर्चें लेनी है, मिर्चें हम अलग इसलिए रखेंगे क्योंकि कम से कम जितनी डालें उतना अच्छा है, क्योंकि रमज़ानों में मिर्चें कम खाई जाती हैं और हमारे यहाँ वैसे भी कम खाई जाती हैं। तो आप लोग मिर्चें चाहे 1 टीस्पून भर के ले लें, चाहे हाफ़ टी स्पून ले लें या कम ले लें। तो ये तीनों मिला के आप लोग अपने किसी भी जार में भर के रख लें, ये अलग अलग करके रख लें, जैसा जिसको जितना टेस्ट जिसका पसंद है आप वैसे डाल दें। ये हमारा दही बड़े का मसाला तैयार है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।